ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जो आपको हम बता रहे हैं। बरहेट और दुमका दोनों जगह से अब हेमंत सोरेन पिछड़ने लगे हैं। शुरुआत में दोनों जगह से आगे हुए, फिर दुमका से पिछड़ गए, अब बरहेट और दुमका दोनों जगह से हेमंत सोरेन पिछड़ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। ये एक बुरी खबर हो सकती है। पिछली बार भी ऐसा ही एक बड़ा उलटफेर हो गया था जब मौजूदा मुख्यमंत्री अब दुमका से हार भी गए थे, उनकी लॉटरी लग गई थी। पिछली बार हेमंत सोरेन दुमका से हारे थे, बरहेट से जीते थे, लेकिन इस बार दोनों से पीछे थे, बरहेट से आगे हो गए। बरहेट ज्यादा, हालांकि दुमका ट्रेडिशनल सीट है उनके लिए, लेकिन बरहेट उनके लिए एक सेफ सीट है, सेफर। अब तो इस हम तुलनात्मक अगर कहे, वैसे तो झारखंड में जो जनता है वो कभी भी किसी को भी हरा देती है, इसीलिए ये सेफ्टी थी, सेफ्टी जरूरी थी कि बरहेट से, दुमका से, दोनों से एक बार फिर लड़े हेमंत सोरेन, और दुमका से पीछे चल रहे हैं। लुईस मरांडी फिर से आगे चल रही है वहां पर, और साथ में बरहेट से अब वो आगे हो गए हैं। लेकिन आजसू के जो सुदेश महतो हैं, वही हो सकते हैं किंग मेकर। जो आंकड़ा, हालांकि 6 का ही आंकड़ा है, लेकिन उतना ही तो जरूरी है कि आपको अगर सरकार बनानी है, बीजेपी 34 सीटों पर आगे चल रही है, तो बीजेपी को जरूरत है 41 तक पहुंचने के लिए, तो उसे आजसू जेवीएम दोनों की जरूरत इस समय होगी। जेवीएम 5 सीटों पर आगे हो चुकी है बाबूलाल मरांडी की पार्टी। अन्य में 3 ऐसी सीटें दिख रही हैं जहां पर बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे चल रहे हैं। जेएमएम प्लस 33, यही 33 और 34 का आंकड़ा जेएमएम प्लस और बीजेपी के बीच नजर आ रहा है, जिसमें जेएमएम अकेले 22 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 9 सीटों पर, आरजेडी 2 सीटों पर। अभी तक बहुत ज्यादा आश्वस्त थी जेएमएम प्लस की, उसे जीत झारखंड में जरूर मिल जाएगी। रघुवर दास को लेकर कहा जा रहा था मुमकिन है वो अपनी सीट भी नहीं निकाल पाए, लेकिन अभी तक जो जमशेदपुर ईस्ट के भी आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उसमें रघुवर दास आगे ही दिख रहे हैं। वहां पर उन्हें कड़ा मुकाबला अपने ही पूर्व कोलीग सरयू राय से टक्कर मिली थी वहां पे। सरयू राय बीच बीच में ऐसा हुआ भी, जब खासकर जब पोस्टल बैलेट्स की गिनती चल रही थी, जब सरयू राय आगे हुए। सरयू राय की अपनी सीट नहीं है जमशेदपुर ईस्ट, वो जमशेदपुर ईस्ट से इसीलिए उतरे क्योंकि वो एक संकेत देना चाहते थे। सरयू राय को नाराजगी थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनकी लड़ाई है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बीजेपी में शामिल कर लिया गया, और इसी नाराजगी को दिखाने के लिए वो कई ऐसी बातें करते थे जिसे एंटी पार्टी एक्टिविटी माना गया। और उस आधार पर जो शुरुआत की जितनी भी सूचियां थी उम्मीदवारों की, जो बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे जाते, उसमें उनका नाम नहीं था। अब ये देखिए, रुझानों में जेएमएम प्लस बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। 33 पर इस समय जेएमएम प्लस है, बीजेपी 34 सीटों पर आगे है, और आजसू जेवीएम अन्य, ये जो 6-5-3 का आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा निर्णायक हो जाता है। जेएमएम ने अपनी तरफ से कहा है कि आजसू उनका स्टूडेंट विंग है, इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही आएगा, लेकिन बीजेपी का पुराना पार्टनर है, तो क्या वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा? इसीलिए हमारा ये ड्रोन जो बैनर्स को, इन झंडों को लेकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान भरने के लिए आतुर है। देखिए, 34 बीजेपी, 6 आजसू, 5 जेवीएम, और इस सब के बीच जेएमएम का जो गठबंधन है जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी है, उसके पास 33 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। पिछली बार से बहुत आगे जरूर है, लेकिन सरकार बनाने के लिए यह पर्याप्त आंकड़ा नहीं है। 81 सीटों की विधानसभा, जहां 41 का आंकड़ा कम से कम एक पार्टी को या एक गठबंधन को जरूर चाहिए सरकार गठन करने के लिए। बीजेपी, जो कि अभी तक लगातार बताया जा रहा था हर रुझान में, हर पूर्वानुमान में, वो हर कयास में भी पिछड़ रही थी, लेकिन उसने अकेले 34 सीटों पर अपनी बढ़त बना ली है। पिछली बार से तो कम है, 3 सीटें कम है पिछली बार से, 37 अकेले बीजेपी ने ले ली थी, लेकिन उम्मीदें उसकी इसीलिए हैं क्योंकि आजसू जेवीएम सबसे बातचीत उसकी शुरू हो चुकी है। आलोक जी, इतना समय बीतने के बाद भी, यानी हम कह रहे थे कि लगभग 9:45 तक हम एक संकेत कह पाएंगे, लेकिन अगर यही आंकड़े कायम रह जाते हैं तो हम यही समझें कि जो हम शुरुआत से चर्चा कर रहे थे कि कुछ भी हो सकता है और किसी की भी सरकार बन सकती है, वो एक ऐसा राज्य जहां पर एक पार्टी के साथ आप कोई अनुमान नहीं दे सकते। लेकिन देखिए, इस बार जो दिख रहा है कि गठबंधन में आजसू का बड़ा रोल हो गया और आजसू अलग लड़ने से अभी तक जो दिख रहा है ये, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक अस्थिरता का माहौल जरूर बनाया है। यदि ये गठबंधन, हम अभी कह रहे थे, या तो वो लोग पहले तैयार हो जाएं कि भाई ठीक है अब उनके साथ रहना है, तब तो 41 का वो पार कर जाएगा। हाँ। वरना जिस तरह से जेएमएम का दावा है, और जोड़ तोड़ में जेएमएम भी कम नहीं है,
अब तो बराबर हो गए हैं दोनों। बिल्कुल 34-34 जेएमएम प्लस और बीजेपी 34-34 पर दोनों इस समय नजर आ रहे हैं। बीजेपी अकेली पार्टी, जेएमएम प्लस जो गठबंधन है 34-34 पर दोनों दिख रहे हैं और दोनों की निगाहें बिल्कुल अपनी दूसरी तरफ होंगी कि ये 5-5-3 किस तरफ जा रहे हैं। आजसू, जेवीएम, अन्य, ये आंकड़ा, ये लोग बाबूलाल मरांडी हो, सुदेश महतो हो, किंग मेकर अगर झारखंड की राजनीति में इस समय इन्हें कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। रोहित से